नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निडरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और इसी को लेकर जो है नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। एमपी में कोरोना से संबंधित नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। हम आपको बता दें कि शादी में 250 से ज़्यादा मेहमान नहीं बुला सकेंगे, शव यात्रा में भी 50 से अधिक लोग नहीं हो सकेंगे शामिल। मध्य प्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइन तैयार हो गई है। शादी में अधिकतम 250 मेहमान ही शामिल हो गई, शव यात्रा में 50 लोगों को अनुमति रहेगी एवं बड़े मेलों पर रोक रहेगी। यह फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक में लिया है। मीटिंग में ही मुख्यमंत्री ने इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के कलेक्टर से बात की है। उन्होंने चारों शहरों में प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा है। अब प्रदेश में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर 7 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। तीसरी लहर का पीक 25 से 30 जनवरी के बीच में रहेगा। इस दौरान प्रदेश में हर दिन 19 से 20 हज़ार केस प्रतिदिन आ सकते हैं, यानी यह संख्या दूसरी लहर से लगभग 1.5 गुना होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना के केस बढ़ेंगे लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सतर्कता बरतना जरूरी है। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसर भी मौजूद थे। वहीं स्कूलों को लेकर भी एक फैसला हुआ है जिसमें स्कूल 50% की क्षमता से चलते रहेंगे। स्कूलों को लेकर कोई नया प्रतिबंध नहीं है, अभी की तरह ही 50% की क्षमता से चलते रहेंगे। एक बच्चे को सप्ताह में 3 दिन ही बुलाया जाएगा। पेरेंट्स की अनुमति जरूरी होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लास लगेगी। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 594 कोरोना केस मिले हैं। एक्टिव केस बढ़कर 1544 हो गए हैं। संक्रमण दर 1% पर आ गई है। इंदौर में एक मौत भी रिपोर्ट हुई है। जबलपुर में भी कोविड सस्पेक्टेड वार्ड में एडमिट 2 मरीजों की मौत हुई है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव थी। तो इस तरीके से अब जो है मध्य प्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइन आ गई है। हम आप सबसे यही अपील करेंगे, गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाए रखें, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखें और वैक्सीन लगवाएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।